अज़ीज़ तलबा वालदैन अस्सलामु अलैकुम। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की योम पैदाइश के दिन को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। आज हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। हज़ारों साल नरगिज़ अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मौलाना आज़ाद जो के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका जन्म पैदाइश 11 नवंबर 1888 में पाक मक्का शहर में हुई, ये आप सभी को पता है। अब इसमें मैं कुछ बातें इनके बारे में बताऊंगा। मौलाना आज़ाद वो हस्ती है जो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो हमारे यहाँ का पार्टी है, उसके सबसे युवा प्रेसिडेंट बनने का शर्फ इनको हासिल है। 1923 में इनको जो है तो इसका सदर बनाया गया। उसी के साथ साथ रामपुर उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर भी जो है जीते थे, मतलब ये तो इनको संसद बनने का भी जो है तो शर्फ हासिल है। उसी तरीके से फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भारत जब आज़ाद हो गया, उसके बाद जो कैबिनेट बैठी, जो मंत्रिमंडल बैठा, उसमें पहला एजुकेशन मिनिस्टर वो भी मुस्लिम होने के बावजूद इनको बनाया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज़ाद भारत का पहला जो मंत्री है वो भी तालीम के लिहाज से वो मुस्लिम है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विद्यापीठ अनुदान आयोग, मैडम बैठे हैं यहाँ पर कुरजी मैडम सीनियर कॉलेज के, तो जो यूनिवर्सिटी को मतलब अनुदान देता है और एग्जाम वगैरह में कंट्रोल रखता है, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है इनके जो है तो हाथों हुआ है। उसका सेहरा भी जो है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जाता है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा भी दीगर जबानें जानते थे। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, इसके भी जो है तो वो बानी है। उसी तरह इनकी जो अखबार जिन्होंने निकाले है, अल हिलाल और अल गुलाब, इसके वो भी सेहरा इनके सर जाता है। साथ ही इनकी किताब है गुब्बारे खातिर किताब भी जो है तो इन्होंने लिखी है, वो भी आप पढ़िए। उसी तरह इनकी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अगर पढ़ेंगे इनकी बायोग्राफी बहुत चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। आखिर में इनके इंतकाल के बाद जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड, जो मुल्क के खिदमत करने वाले नुमाइंदों को दिया जाता है, जो मतलब चुनिंदा लोग हैं उन्हीं को मिलता है, सभी को नहीं मिलता है, और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, तो इनको भी जो है तो भारत रत्न अवार्ड से 1992 में मतलब इंतकाल के बाद इनको उससे नवाजा गया। तो इनका नाम जो आज लेते हैं हम, भारत रत्न मौलाना आज़ाद, ऐसा इनका नाम लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मुल्क की तकसीम के बाद जो मतलब मुसलमानों को यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में जो है तो हमारे आबा अजदाद ने यहाँ पर लड़कर शहीद हुए और जंगी आज़ादी में हमने जो है तो यहाँ पर खून बहाया और इस मिट्टी में हमारा खून है, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में जो है तो हम मरकर दफन होंगे, ऐसा उन्होंने खिताब किया। आज हम जो यहाँ पर है ये इन्हीं की बदौलत है। हमारा जो मुल्क है ये सभी जात धर्मों का मुल्क है और मुस्लिम हिंदू एकता के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, गांधी जी के साथ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में बहुत सारे इन्होंने जो है तो आंदोलन में भी काम किया। साथ ही जो हमारी मसूदा कमेटी थी, जो कानून बना, उस कमेटी में भी इन्होंने काम किया। ऐसे बहुत सारे इनके जो है तो कारनामे तारीख में मौजूद है। अब आपका काम है कि हम उस तारीख को पढ़े और साथ ही साथ उन जैसा बनने की हम कोशिश करें। इतना कहते हुए मैं अपने अल्फाज यहाँ खत्म करता हूँ। अल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक जोश के साथ रहेगा और एक अच्छा दिन मिला दिवाली के बाद जो मिला है एजुकेशन। आज हमारे आज़ाद मौलाना आज़ाद का पैदाइशी दिन है,
एजुकेशन डे मना रहे हैं, इस मौके पर आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी, मैं समझता हूं कि आपको सब याद हो गया होगा, बहुत सारी चीजें हुई होगी। इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ अपने ख्याल इजहार करें, भले ही आप यहाँ आकर ना बोले, कम से कम राइटिंग में तो करें। इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप एक लिखकर एक अपने दिल के ख्याल का इजहार करें, एक कॉम्पिटिशन रखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ IIT से 12वीं तक बच्चे हैं, एक ऐसा कॉम्पिटिशन रखेंगे, कैश कॉम्पिटिशन, जिसमें 3 लोगों को इनाम दिया जाएगा। एक अपन डेट तय करते हैं सब मिलकर कि भाई किस दिन इसका वो लिया जाए, ऐसे कॉम्पिटिशन रख लेते हैं, रख लेंगे। मौलाना आजाद की जिंदगी पर जो है ऐसे कॉम्पिटिशन समझ लीजिए जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज रहेगा। शाइस्ता मैडम, एक इवेंट तैयार करिए, आप डेट फिक्स करिए और बच्चों को बताइए, आप भी थोड़ा स्टडी करिए। सर लोगों ने जो बताया वो भी आप सुने होंगे, या नहीं भी सुने होंगे तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट करिए, उर्दू टीचर से, जो भी टीचर से कांटेक्ट करके आप मुआद जमा करिए और एक अच्छा लिखने की कोशिश करिए। माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हमारे आगे लिख सकते हैं। ये तालीम का मामला है, इसलिए मैं मौलाना आजाद की जिंदगी पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब कुछ बता दिया है, पर शॉर्ट में मैं बोलूंगा आपको तालीम, बस तालीम हासिल करना है। बच्चे ने बोली थी कि ख्वाब अच्छे देखना चाहिए, ऊंचे देखना चाहिए, आप भी ख्वाब देखिए, ऊंचे देखिए, आपने इतना स्टेमिना है, इसमें गट्स है, इंशाल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। मैडम ने भारत रत्न की बात करी, वो भी आप ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। मैं इस मौके पर तालीम की बात हो रही है तो आप पहली बार बताता हूँ कि कुरैशी मैडम जो अपने सीनियर कॉलेज की प्रिंसिपल है, इन्होंने PhD हासिल किया है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये किदवाई के कैंपस में पहली है। और मैं सभी टीचर से बोलूंगा कि इन्हीं के नक्शे कदम पर PhD हासिल करें। ये किदवाई का हिस्ट्री का पहला मौका है जो हमारे PhD है, उसमें से सही है, पहले PhD है, तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, फख्र की, बहुत फख्र की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बाकी टीचर्स भी मोटिवेट हो मैडम से कि आप भी PhD करें। ये तालीम का मौका था इसलिए मैंने बोला। बस मैं इतना ही कहूंगा, तालीम पर जोर दीजिए, पढ़ाई करिए, अभी बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। नए नए अपन पढ़ाई के साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने को कुंभ नहीं होना है, अपने को कुछ प्रोग्राम भी लेना है, नए नए इवेंट्स लेना। हमने बोला था आपको दिवाली के बाद हर हफ्ते हर महीने अपन इंशाल्लाह जुमेरात के दिन आखिर के 3 पीरियड में कोई इवेंट्स लेते जाएंगे जिसमें आपके पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। वो पीरियड जो रहेंगे आपके PT के, फिजिकल एजुकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे कुछ ऐसे पीरियड रहेंगे वो अपन रखेंगे जिसमें तालीम का नुकसान भी ना हो, लेकिन अंदर की आपके जो सलाहियतें हैं वो उभरे। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते से ये सब शुरू करेंगे, इंशाल्लाह हर हफ्ते जुमेरात के दिन 3 आखिर के पीरियड में ये इवेंट रहेगा। आपके कल्चर प्रोग्राम के टीचर्स जो है आपको मोटिवेट करेंगे। इंशाल्लाह हम अब सभी का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, टीचर्स भी बिल्कुल तैयार हो जाए अपने को आने वाले दिनों में। अल्लाह से दुआ करें कि कोरोना नाम की कोई चीज हमारे पास ना आए और हम खूब मेहनत करके आगे बढ़े। इंशाल्लाह बढ़ेगी, अगर कोरोना रहता भी है तो उसको पैरेलल लेके चलेंगे। इतना बोलकर मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।